चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। जफर कौन है माजी? है तेरा अब्बा। वो कहाँ से आएंगे माजी, मेरा अब्बा तो मर चुके हैं। हैं? हाँ। तो फिर से बेवा हो गई हूँ क्या? हैं? बेशरम, तेरा अब्बा मर गया है और तू टीवी पे गंदे गंदे डांस देख रहे है? माजी अभी एक घंटा पहले मुझसे कह रहे थे रुखसाना मेरे लिए सेवियां बना के रखना, मैं सेवियां खाए बगैर ही चले गए। आकर खा लेंगे यार। ओए अब किधर से आएंगे वो? ओए अभी कल रात मुझे कह रहे थे जमीला मैं क्लिफ्टन लेके जाऊंगा तुझे। माँ जी आपका नाम मुमताज है? वो मुझे प्यार से जमीला ही कहते थे। वो कौन? वो जिनसे मेरी शादी हुई है। आपकी शादी जिन से नहीं हुई, महमूद साहब से हुई है। वैसे बात एक ही है। हाँ महमूद, महमूद नहीं आए? वो कहाँ गए? वो कौन? महमूद साहब यार। महमूद कौन है? ओ, ओ। ये मुमताज को क्या हो गया? आपके शोहर को लेकर आ रहे हैं। लेकिन मेरे शोहर तो ये है। हम इन्हीं को तो लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये तो इधर है। लगता है ये पागल है। खबरदार जो तुम लोगों ने पागल कहा मेरे मियाँ को। देखें इनका एक्सीडेंट हो गया था, बाहर पड़े थे पत्थरों के ऊपर और हम इन्हें यहाँ ले आए आपके पास। तो मैं पत्थरों का क्या करूँगी? अरे मैं आपके शोहर की बात कर रहा हूँ। तो ये पत्थरों का क्या करेंगे? चल भाई इन्हें यहीं छोड़। ये इनके माथे पे खून कैसे है? अरे इनके माथे पर चोट लगी है। अच्छा मैं समझ गई खून है। खून ही तो है। क्या वकास? वकास जी। क्या जी? मेरा नाम वकास है। मैं अपने बेटे आदिल को बुला रही हूँ। उसका नाम भी वकास है? किसका? आदिल का। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ माँ जी? बेटा जमाल को क्या हो गया देख। अभी देखता हूँ। इनमें से जमाल कौन है माँ जी? कोई नहीं। इनमें से कोई जमाल नहीं है माँ जी। और मैं अपने शोहर की बात कर रही हूँ, देख रहे एक्सीडेंट हो गया इनका। क्या? हाँ। महमूद साहब। चल भाई इन्हें यही छोड़, ये ना उल्टा के सम पर ही बढ़ जाएंगे। बशीर माँ जी महमूद है। इधर से। ओ माँ जी आप गाने गा रही हैं, उनको चोट लगी, इधर आओ। माँ जी बस करें, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। हाय शमीम कहाँ चले गए आप? माँ जी इनका नाम महमूद है। तो आप इन्हें शमीम क्यों कह रही हैं? मैं इन्हें शमीम थोड़ी कह रही हूँ। फिर शमीम तो हमारे मोहल्ले के डॉक्टर थे, कनाडा चले गए। तो आप उन्हें याद कर रही हैं? हाँ वो होते तो इनको देख लेते। ओहो माँ जी आप इनके मुँह पर पानी छिड़ गए यार। दिमाग तो ठीक है तेरा, उनका मुंह पहले ही इतना बड़ा है, और बड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? हाय होश आ गई। क्या महमूद साहब नशे में थे? तू तो चुप कर। हम कौन हैं और कहाँ हैं? आप बाबर हैं नसीर? हैं? हाँ। आप महमूद हैं? महमूद साहब। कौन महमूद? आप और कौन? आप लोग कौन हैं? लगता है सर पे चोट लगने से ना महमूद साहब की याददाश्त खो गई है। क्या इश्तियाक इनकी याददाश्त ढूंढ के लाओ। माँ जी मैं याददाश्त कैसे ढूंढूं? अखबार में इश्तहार दे पुत्र। माँ जी हम यहाँ कैसे आए? कहाँ?
आप कौन हैं आंटी? मैं आंटी नहीं हूँ, मैं शुमाइला हूँ आपकी बीवी। मुमताज। हाँ, मैं शुमाइला हूँ मुमताज की बीवी। हमें कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ के अलावा तो सब कुछ याद है ना आपको? नहीं। हाय, अब मेरा क्या होगा? कालिया। हैं? माँ जी रोएं मत। अच्छा। मैं काम करता हूँ, महमूद साहब को खुली हवा में लेके जाता हूँ, हो सकता है इनका दिमाग फ्रेश हो जाए जरा। ये ठीक है। आइए महमूद साहब। चलो। माँ जी महमूद साहब इनका नाम है। अच्छा अच्छा। आइए 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 आइए। अरे आइए तो सही, आपको ताजा हवा दूंगा। आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? लॉन में। वो क्या होता है? लॉन जहाँ घास होती है। घास? आपको घास का नहीं पता? हम कोई घोड़े थोड़ी हैं। अच्छा, घोड़े का पता है? और क्या, हम कोई गधे थोड़ी हैं। अच्छा, गधा भी याद है? नहीं, आपकी शक्ल देखकर याद आया। महमूद साहब। महमूद साहब नहीं, गधा। एक ही बात है। ये घर किसका है? किराए का। कौन किराए? ओ बस कर दे यार। क्या मतलब? सच सच बताएं, आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? हम ये ड्रामा इसलिए कर रहे हैं कि हमें इसके पैसे मिलते हैं। कौन दे रहा है? इस ड्रामे का प्रोड्यूसर। मैं इस ड्रामे की बात नहीं कर रहा, मैं उस ड्रामे की बात कर रहा हूँ, ये जो यादाश्त वाला ड्रामा है उसकी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? आपको ये भी याद नहीं है कि आपने मुझे 50,000 रुपए दिए थे? नहीं। और ये भी याद नहीं है कि वो 50,000 आज मैंने आपको वापस करने थे? अरे नहीं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या सोच रहे हो? यार महमूद साहब की याददाश्त वाकई चली गई। हाँ तो जाके पता करना किधर चली गई। चली नहीं गई माँ जी, खो गई है। माँ जी खो गई है? याददाश्त खो गई है। माँ जी की? महमूद साहब की माँ जी। कौन महमूद? ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी। नबील प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाओ। जब हो जाओगी तो बुला लूंगा ना यार। नबील, महमूद साहब के लिए डॉक्टर को बुलाओ। वो क्या करेगा? वो कौन? डॉक्टर जिब्रान। कौन डॉक्टर जिब्रान? और मैंने तुझे कहा है? आपने मुझे डॉक्टर कहा, थैंक यू माँ जी। पिताजी कहते हैं कि बारू को छोड़ दो, पारू कहती है कि घर वालों को छोड़ दो, मेरा दिल चाहता है कि मैं लंबी लंबी छोड़ दूं। ए पारू, मुझे पुकारो, यहां आओ और मुझे मारो। पारू कहां है? ये रहे डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर तो मैं हूँ। तो मैंने आप ही को तो कहा है ना कि ये रहे डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, ये भी डॉक्टर हैं? नहीं। तो फिर आपने इन्हें डॉक्टर क्यों कहा? वहीद बेटा, ये डॉक्टर ही है ना। आपने मुझसे कुछ कहा? नबील माँ जी। ये नबील है? डॉक्टर है। देखें डॉक्टर नबील। क्या आप भी डॉक्टर हैं? ओ नहीं यार, बात तो पूरी सुन लो। जी बोलें। जी। आप कुछ कह रही थी? हाँ, ये मेरे शोहर है, इनकी वो चली गई है। बीवी? इनकी बीवी ये है। मैं कहीं चली गई हूँ क्या? नहीं माँ जी। तो फिर ये क्यों बोल रहा है? आप ही ने तो कहा है कि वो चली गई है। ओ भाई, वो जो इस उम्र में कमजोर हो जाती है। बिनाई? नहीं नहीं, वो जो याद करने पे भी नहीं आती ना, वो पुरानी गर्लफ्रेंड। वो याददाश्त यार। हाँ हाँ, याददाश्त। इनकी याददाश्त चली गई है भाई, देखो। अभी चेक कर लेता हूँ। माँ जी आप ठंडा शरबत ले आए। ये शरबत चेक करेंगे? ओहो माँ जी, शरबत पीने के लिए मंगवा रहा हूँ। मैं शरबत नहीं पीऊंगा। अब मुझे पता है डॉक्टर साहब, आप ले आइए माँ जी। अच्छा चेक कीजिए डॉक्टर साहब प्लीज। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? यहाँ में टूटी क्यों लगा रहे हैं? ये पानी की टूटी नहीं है। कौन सी है? ये चेक कर रहे हैं आपके दिल को। बारो शरबत लेने गई है आपकी। आवाज आ रही थी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? इनके सर पे चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। तो अब क्या होगा? हमें महमूद साहब के सर पे दोबारा चोट मारनी होगी ताकि इनकी याददाश्त वापस आ जाए, है ना डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, देखा
सर पर दोबारा चोट लगने की वजह से ये मर भी सकते हैं। फिर तो हमें एक ट्राई जरूर कर लेनी चाहिए। देखिए मरीज को पिछली बातें याद दिलाने की कोशिश करें। माँ जी आप याद दिलाएं ना, आपको ज्यादा पता है। हैं? वो मैं कैसे याद दिलाऊं, मैं खुद ही भूल गई हूँ। सही कह रही है माँ जी, हम माँ जी को याद कराएं, माँ जी इनको याद कराएं, हो गया काम। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ रोजाना। हाँ और वो भी चलता है। वो कौन? वो जो छत पे लगा होता है ना। देखें सीन लंबा ना करें, मुझे जल्दी है। मरीज का ख्याल रखिएगा क्योंकि इस किस्म की हालत में मरीज खुदकुशी भी कर लेता है। हाँ। और किसी को मार भी सकता है। हाँ? और घर से भाग भी सकता है। हाँ। जल्दी चले डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। हाँ। मैं अभी आता हूँ। आए आइए, ये भी ले ले अपना। आजे, आजे, जल्दी, आजे। टहल क्यों रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सोच रही हूँ। जवाब? नहीं। फिर? महमूद साहब के बारे में सोच रही हूँ। उनके बारे में क्या सोच रही हो? भाई डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस हालत में वो किसी और को मार भी सकते हैं। डॉक्टर ये भी कह रहा था कि वो इस हालत में खुदकुशी भी कर सकते हैं। अगर हमें मारने के बाद खुदकुशी करेंगे तो हम क्या कर लेंगे? फिर हम उन्हें खुदकुशी करने देंगे क्या? अपनी मौत का बदला लेंगे। नबील, अरे तुम खामखा डर रही हो यार। अदनान, अदनान बेटे दरवाजा खोल। बेटा फुरकान वो घर पे नहीं है। नबील, नबील नहीं वो। वो कौन माँ जी? वो जो लॉन में थे। पौधे? नहीं माँ जी, कौन घर पे नहीं है? क्या हो गया आपको? आप महमूद साहब को अकेला छोड़ के आ गई हैं। हाँ हाँ याद आ गया, महमूद घर पे नहीं है। कहाँ गए वो? वो भाग गए। किसके साथ? नहीं नहीं अपनी चप्पलों के साथ। चप्पलें कैसे भाग सकती हैं माँ जी? यार चप्पलें अगर भागी भी हैं तो महमूद साहब को क्या जरूरत थी उनके साथ भागने की? अगर उनकी तबीयत खराब होगी तो? चप्पलों की? महमूद साहब की यार। ओए मेरा शौहर घर से भाग गया, तुम लोगों को चप्पलों की पड़ी हुई है। तो क्या करें माँ जी? और ढूंढो उनको ना। और रहने दे माँ जी, चप्पलें तो और आ जाएंगी यार। हाँ चप्पलें आ जाएंगी, मेरा शौहर तो वापस नहीं आएगा ना। अच्छा चले माँ जी, हम उन्हें ढूंढते हैं। हाँ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। ओहो माँ जी हौसला करे ना, हौसला करे, मिल जाएंगे महमूद साहब। ये इस वक्त कौन आ गया है? देखिए आप डरिए नहीं, हम रास्ता भूल गए हैं। मुस्तकीम, सराते मुस्तकीम नहीं, रास्ता। अरे महमूद साहब आप कहाँ चले गए थे? हमारा नाम महमूद नहीं है शंकर। वो इनका नाम भूल गया बेशरम। माँ जी मैं नहीं भूला, ये भूले हैं। है? महमूद साहब आपकी यादा चली गई थी इसलिए आप चले गए थे। चलें, और बड़ी आपकी शिकारी तबीयत हुई है। चलें। हाय। हम अंदर चलें। हाय माँ जी आप भी आए। इधर इधर। ओहो एक तो सारे घर की यादा चली गई, मेरी क्यों है? खूबसूरत खूबसूरत देखो कौन आया है। ये आया है? नहीं ये खूबसूरत, इतनी खूबसूरत आया कहाँ से आई है? ये आया किसने दी है? ये आया महमूद साहब, ये मेरी बीवी है। और मैं आपकी। वो ज्यादा सुंदर है। महमूद साहब ये बहू है आपकी। हमारा बेटा कहाँ है? आपका कोई बेटा नहीं है यार। अगर हमारा कोई बेटा नहीं है तो फिर ये हमारी बहू कैसे हो सकती है? शंकर तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। क्या? हाँ आपकी याददाश्त चली गई है, मैं ही आपकी बीवी हूँ। हमारी याददाश्त गई है या बिनाई? ये बिनाई क्या होती है? माँ जी आंखों से देखने को बिनाई कहते हैं यार। क्या क्या देखने को कहते हैं? कुछ भी देखने को।
कुछ भी देखने को बिना ही कहते। अरे यार मुझे तो लगता है आप दोनों के चक्कर में मेरी याददाश्त चली जाएगी। सबसे पहले ये भूलना कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। खामखा में उस बेचारी को नाराज कर दिया तुमने। तुम भी अजीब आदमी हो शंकर। अब रुको, मैं उसे जाके मना के लाता हूँ। महमूद साहब, मेरी बीवी है, मैं मना लूंगा उसे। आप ना रामकरे में आपके लिए बादाम लेकर आती हूँ। सुनिए, हमारे लिए कुछ खाने को भी ले आइएगा दीदी। जी प्लीज चुप हो जाए ना। मैं बोल कब रही हूँ तो चुप हो जाऊ। मेरा मतलब है रोना बंद कर देना। मैं रो नहीं रही हूँ, मैं सोच रही हूँ। तो फिर ये आंसू क्यों टपक रहे? ज़हन पर जोर देने की वजह से आंसू निकल रहे हैं माजी। तू हट इधर से। मेरा मियां मुझे पहचान नहीं रहा। तू मुझसे कह रही है माजी आप रो क्यों रही हैं? माजी सब ठीक हो जाएगा। माजी आपके पास आप लोगों की शादी की कोई तस्वीर है? तो वो दिखाए ना महमूद साहब को। वो क्या? माँ जी तस्वीर दिखाए महमूद साहब को, शायद याद आ जाए उन्हें। हाँ ये ठीक है। तस्वीर ना। हाँ जी। हाँ याद करें। क्या ये कौन है? याद आ गया। सच? सच नहीं, ये याद आ गया कि ये कौन है। कौन है? चंद्रमुखी। मैं कौन हूँ? पता नहीं। खुदा के लिए मुझे पहचाने मुस्तकीम, मैं आपकी बीवी हूँ शकीला। लेकिन तस्वीर के नीचे तो लिखा है कि आप मुमताज हैं। हाँ हाँ मेरा ही नाम पहले मुमताज था, नईमा तो आपने अब रखा है। हमें नींद आ रही है। तो फिर चलें? कहाँ? कमरे में। नहीं नहीं हम यहीं सोएंगे। क्या? बस आप हमें एक तकिया ला दीजिए। क्या हुआ? वो महमूद साहब नहीं है। फिर भाग गए? नहीं नहीं बाहर ही बैठा है। कौन? जिसे हम महमूद साहब समझ रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो खूबसूरत? नबील उस आदमी ने मुझे देखकर सीटी भी बजाई और आंख भी मारी है। वो महमूद साहब नहीं हो सकते। क्यों? महमूद साहब को सीटी बजानी नहीं आती क्या? नबील महमूद साहब याददाश्त जाने के बाद भी इतना नहीं गिर सकते। वो याददाश्त जाने के बाद नहीं गिरे, गिरने के बाद उनकी याददाश्त गई है जानू। भाई मैं कह रही हूँ ना कि वो आदमी महमूद साहब नहीं है, निकालो उन्हें यार। तुम्हें गलत फहमी हुई है यार। ये बात है, आओ देखो। चलो। झूठ बोलते हैं ये। तुम हमारी बीवी हो, वो हमारी बीवी नहीं है। और हमें अच्छी तरह से याद है कि हमारी याददाश्त जाने से पहले आप हमसे नाराज हो गई थी, है ना? ये क्या घटियापन है? गुस्सा मत कीजिए पारो। नबील, नबील। खूबसूरत पीछे हट जाओ, आज मैं छोड़ूंगा नहीं इस घटिया आदमी को। ये क्या कर रहे हैं आप? ये डंडा क्यों पकड़ा हुआ है? बेसबॉल खेलने लगा हूं मैं। अरे अरे नबील बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कहीं खेलने जा रहे हो क्या? हाँ? ये तो बॉल किधर है? बताता हूँ अभी। अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। देखो देखो मेरी बात सुनो। अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ क्या? अरे बेटा इसे समझाओ, कोई से खूबसूरत बेटा तुम्हें। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।